तो गाइस आज व्लॉग में पहली बार अपने मम्मी को ला रहा हूँ। कैसे हो? गुड इवनिंग गाइस। तो फिलहाल चल रहा है पैकिंग और आज हम निकलेंगे गांव में, मतलब मेरे गांव में। सोच रहे थे कि बाइक से निकल जाएंगे लेकिन इस बारिश की वजह से नहीं निकल सकते, क्योंकि रीजन ये है रेनकोट सिर्फ एक है, बंदे दो, तो इसलिए हमें अभी कार से जाना पड़ेगा। तो गाइस बाहर भी निकल चुके हैं, बारिश भी रुक गई। वाह। तो अभी करेंगे रिफ्यूलिंग। तो गाइस फाइनली घर पहुंच चुके हैं। तो गाइस डिनर हमारा बन रहा है एंड थोड़ी देर बाद डिनर करके सो भी जाएंगे। तो आज बहुत थक गया हूँ एंड व्लॉग को कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? गुड नाइट। तो सुबह चाय के साथ करते हैं गुड मॉर्निंग। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एनी नाउ द व्लॉग। का बता कैसे आप सब, होपफुली आप सब अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने कल देखा कि हम रात को ट्रेवल करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं हमारे गांव, और आज का व्लॉग हमारे गांव में ही होगा और हम लोग क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते आप लोगों को दिखाते जाएंगे। अभी चल रहा है जुगाड़ कि हम कैसे उस गुएवा को प्लग करेंगे और खाएंगे। किमान पाले दो मिला हमको, ठीक। हमारे घर के पीछे यहाँ पर एक तालाब है, हमारे अपना तालाब है, और यहाँ से इतना अच्छा नजारा दिखता है। नीचे है पानी और ऊपर है हिल्स। एक दिन उस टॉप में जाएंगे और अच्छे से व्लॉग करेंगे। फिलहाल खा रहे हैं गुआवा एंड अपने सिनेमैटिक स्टाइल में आप लोगों को दिखाते हैं नजारा। Fear from my past, cause it always shows. Do I wanna try? Can I let it go? Running from the past, wanting to be sure. Chaos in my mind, constant deja vu. Guys, those hills को देख सकते हो, इतना प्यारा लग रहा है। वहाँ पर क्लाउड्स वगैरह है। विलेज में जो मजा है ना, वो टाउन या सिटी में नहीं मिलता। यहाँ पर खुला खुला होगा, एकदम फ्रेश हवा देता है एंड नदियाँ होंगे, पहाड़ होंगे, मतलब विलेज का वाइब ही कुछ अलग है। और बहुत कुछ है यहाँ पर, एक छोटा सा झरना है और बेटल नट ट्री से बना हुआ एक छोटा सा ब्रिज। जब भी कोशिश करता हूँ बाहर निकलने की बारिश शुरू हो जाता है। तो गाइस ये मेरा ग्रैंड मॉम, मेरा पापा का मम्मी, हाय गुरु दीदी, हाय। एंड ये मेरा छोटी बहन दिशा, हाय गुरु, हाय। अभी जा रहा हूँ मैं दुकान में क्योंकि मम्मी ने बोला है कुछ लाने के लिए गर्म मसाला, तो दो पैकेट लाऊंगा मैं। क्यों लगे रो हबे जा। हबे। ये? मैंने अभी तक ये नहीं बताया कि मैं गांव में क्यों हूँ, तो इसमें कोई रीजन की जरूरत नहीं है, अपना ही घर है, मन किया आ गया। तो कुछ दिन पहले मेरा दादाजी का हालत एकदम खराब था, अभी एकदम नॉर्मल है, थोड़ा सा ठीक होना बाकी है। एंड मैं अपने मम्मी को बहुत मिस कर रहा था इसलिए आ गया। तो बात आती है यहाँ पे कि कल रात को क्यों निकलना था, क्योंकि हमें एक रात के लिए स्टे करना था। अगर आज सुबह आते तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता था क्योंकि सूरज का फुटबॉल मैच है और आज ही हमें रिटर्न जाना। अभी बहुत भूख लगी है, करते हैं ब्रेकफास्ट। तो गाइस आज व्लॉग में पहली बार हमने मम्मी को ला रहा है। हियर शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन। हेलो, नमस्कार। तो बहुत लोग बोलते हैं कि मम्मी और मेरा चेहरा सेम सेम लगता है, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना कि ये बात सच है कि झूठ। ब्रेकफास्ट में क्या क्या है? रोटी, चावल, भाजी, ये फ्राइड चिकन, और ये भी चिकन है, मक्की मन, और यहाँ पर सलाद, पर सूरज खा रहा है। तो एनीवेज एक महीने के बाद मम्मी का हाथ का बना हुआ खाना खाएंगे तो मजा आएगा। तो अभी करते हैं ब्रेकफास्ट और आपसे मिलते हैं। तो गाइस खाना हमने खा लिया है, बहुत मजा आ गया एंड थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम निकल जाएंगे दूध नहीं। और हमें जल्दी निकलना होगा बिकॉज हम जाएंगे बाइक से और मौसम का कुछ भी आइडिया नहीं है, कभी भी बारिश हो सकता है। तो गाइस बाहर निकलने वाले थे और देखो बारिश शुरू हो गया। तो गाइस ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। ये है हमारा मोनालिसा, प्यार से हम मोना भाई बोलते हैं, हाय गुरु।
मम्मी बाय बाय, मिस करोगे ना मुझे? बाय बाय, आशीर्वाद तो ठीक है, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं, अभी निकल जाएंगे। बाय बाय। सरप्राइज हमें जांग रहे की जाए ए आइले हम जाए ने की ब्रो जांग रहो हां बाय बाय आइले जाए है। नया ब्रिज यहाँ पर बन रहा है और यहाँ पर देख सकते हो इतना लंबा ट्रैफिक। ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए, हम ना आए 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 हम ना आए, ऐसी जी छिप छिपाए, हम ना पाए, ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए, हम ना आए 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 हम ना आए। तो फाइनली वी आर होम, तो लक हमारा अच्छा था, बिना भीगे पहुंच के घर। तो गाइस लिटरली इस ब्लॉग के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था, फिर मैंने सोचा कि बाहर निकल ही रहे तो ब्लॉग भी करते हैं, और मम्मी से भी बहुत दिन हो गए थे नहीं मिला, तो मिलके भी आएंगे। और अगर वीडियो यहाँ तक देख ही ले हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन, और नोटिफिकेशन भी ऑन रखना, क्योंकि आने वाला ब्लॉग एकदम तबाही होने वाला है। तो आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट ब्लॉग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। तो ठीक है, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं, अभी निकल जाएंगे।